Hey, good morning everyone. कैसे हैं आप सब लोग? Today our third of spoken English session. Today we are going to discuss about different ways to say how are you. In previous class, I have teach you that how can you start your day, how can you start your the particular day, how many different ways to say you good morning to your partner, to your family members, to your friends. So in that series, today we are going to learn what the different ways to saying how are you. Actually, what happens if you are meeting with some persons, yeah, you may he may be your friends, your family members after a long period of time or first time, then the first question is generally whatever is being asked by the people is that what, how you. But let's suppose if you are meeting with your friends, your partner regularly you are saying the same word, how are you on Monday, how are you on every day, then what will happen? This has become what, not much interesting. So for making that interesting, today I'm bringing you so 11 different types that how can you say how are you. So ye start karte hain. Humne kal aapko bataya tha कि डिफरेंट तरीके जैसे हम लोग गुड मॉर्निंग कैसे बोल सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने पार्टनर को, अपने चाहने वाले को ना. तो आज हम लोग क्या सीखेंगे कि आप हाउ आर यू कैसे बोल सकते हैं. एक्चुअली क्या होता है, हम लोग जब अगर किसी व्यक्ति से बार बार मिलते हैं और मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या आप किसी कोचिंग में जा रहे हैं, तो आप डेली अगर यही पूछ रहे हैं कि हाउ आर यू, तो क्या होता है, थोड़ा सा लगता है ना कि अनइंटरेस्टिंग है. तो अगर आप वही चीज़ थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट देख के पूछिए, थोड़ा अलग तरीके से पूछिए, तो हमें लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा. और इस समय हम लोग क्या हैं, खाली हैं, घर पे हैं, तो हम लोग इसकी प्रैक्टिस भी आराम से कर सकते हैं. हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आजमा सकते हैं अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेंबर में, कैसे अपने भाई से, अपने सिस्टर से या अपने रिलेटिव से, कैसे से आप बात करके देखेंगे, बड़ा मजा आएगा. क्योंकि मैं इस चीज़ को इंप्लीमेंट करता हूँ, मैं इस काम को करता हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ. आइए देखते हैं. सो कम ऑन द टॉपिक. द फर्स्ट वन इज हाउ डू यू मतलब क्या होता है, क्या चल रहा है आजकल क्या चल रहा है जीवन में. सो वी आर सेइंग हाउ यू इंस्टेड ऑफ दैट. इफ यू विल से हाउ डू यू डू, दैट विल सीम्स दैट यू आर जस्ट सेइंग समथिंग डिफरेंट. तो सामने वाला पीपल क्या होगा, आपके इंटरेस्ट लेगा, डेफिनेटली ही विल केयरिंग अबाउट यू हाउ यू आर सेइंग, एंड डेफिनेटली ही विल रिप्लाई इन सम गुड मैनर. वो क्या करेगा, वो भी आपको जो रिप्लाई देगा वो भी कैसा देगा, थोड़ा अच्छे तरीके से देगा, एक डिफरेंट मैनर में देगा. सो इफ यू आर गोइंग टू से हाउ डू यू, ओके, दिस इज फॉर्मल. ये क्या होता है, फॉर्मल होता है. आप अपने ऑफिस में बोल सकते हैं, अपने टीचर्स से बोल सकते हैं, अपने बॉस से बोल सकते हैं हाउ डू यू डू. ओके, सो द नेक्स्ट, व्हाट्सअप, व्हाट्स न्यू, व्हाट्सअप थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म है. हम सीधे सीधे आपसे कहें हाउ यू, व्हाट्स गोइंग, इंस्टेड ऑफ दैट इफ आई एम सेइंग व्हाट्सअप, सो व्हाट यू विल फील, यू विल फील दैट समथिंग एनर्जेटिक, आई जस्ट वॉन्ट टू नो. बट माई डियर फ्रेंड्स, यू मस्ट नो दिस इज इनफॉर्मल, दिस इज इनफॉर्मल. You have to use this phrase with your parents, with your friends only, with your brother and sister. You do not use this phrase with the formal persons, with the official persons. It just may create some uncertainty. Okay, so now come on the third one. You all right? Are you well? You all right? Are you well? Means what? हम लोग खुद ही पूछ रहे हैं कि भाई सब बढ़िया है, all right? क्या आप बढ़िया हैं? जैसे मान लीजिए किसी से आप मिल रहे हैं सुबह में, फर्स्ट टाइम मिले और देख रहे हैं कि वो ऑलरेडी खुश है, तो आप खुद ही कह रहे हैं कि यू वेल, देखने से लग रहा है कि वो खुश है, तो सीधे कहिए यू वेल, क्या आप खुश हैं, सब बढ़िया है ना, सब ठीक ठाक चल रहा है ना. क्योंकि क्या हो रहा है, हम जो बोल रहे हैं, हम जो पूछ रहे हैं, सामने वाले को देख के पूछ रहे हैं, सामने वाले को देख के पूछ रहे हैं. तो ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं जो हम लोग सामने वाले के अकॉर्डिंग पूछते हैं, सामने वाले के कंडीशन पे बेस्ड करते हैं. सो आप इसको बोल सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग है और आजकल हमारे NCR वगैरह में तगड़े से यूज होता है, ओला, व्हाट्स न्यू. ओला में क्या है, यहाँ पे एच साइलेंट, इसको ध्यान दीजिएगा, ओला में क्या है, एच साइलेंट, और ये स्पैनिश है, दिस इज नॉट अ, यू कैन से नॉट अ ब्रिटेन, दिस इज नॉट फ्रॉम UK, दिस इज ओला, व्हाट्स न्यू, ये क्या है, स्पैनिश है. और आजकल ये NCR वगैरह में, दिल्ली वगैरह क्षेत्र में काफ़ी तगड़े से लोग यूज़ करते हैं. फर्स्ट टाइम मैंने सुना तो मुझे सरप्राइजिंग लगा, बट अगर आप इसको बोलेंगे ना तो आपको भी मजा आएगा. आप अगर किसी से बोल रहे हैं ओला, ओला व्हाट्स न्यू, मतलब क्या हो रहा, कि कैसे हैं, कुछ नया बताइए, व्हाट्सअप, ओला मतलब होता है व्हाट्सअप, व्हाट्स न्यू, क्या नया है. इन द सेम वे हाउडी डूडी, हाउडी डूडी मतलब क्या हो रहा है, ये शॉर्ट फॉर्म है हाउ यू डूइंग, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, हाउ यू डूइंग, इसका मतलब यही होता है कि हाउ आर डूइंग, आप कैसे कर रहे हो आजकल, क्या चल रहा है जीवन में, व्हाट्स गोइंग ऑन विथ यू नाउ, व्हाट इज इन योर लाइफ,
ओके सो द नेक्स्ट व्हाई द ग्लो. लेट सपोज यू आर मीटिंग विथ योर फ्रेंड, है ना, आप किसी अपने मित्र से मिल रहे हो और वो क्या है, ऑलरेडी हैप्पी है, खुश है, एकदम बढ़िया है, प्रसन्न है, तो आप क्या पूछ सकते हैं, व्हाई द ग्लो, व्हाई द स्माइल, ना ये ग्लो क्यों है, ये स्माइल क्यों है, सीधे सीधे वो भाई अगर आप ये पूछ रहे हैं हाउ आर यू, उसके कंपेरिजन में क्या हो रहा है, अगर आप ये पूछेंगे वाओ, व्हाई द ग्लो, व्हाई द स्माइल, अगर आप ये पूछें तो उसको क्या लगेगा, वो व्यक्ति और खुश होगा और आप खुद भी खुश होंगे. यहाँ पे क्या हो रहा है, हम दोनों लोगों का फायदा होगा, आपका भी अच्छा, आपको भी अच्छा लगेगा, और जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं ना उसकी क्या होगा, उसको भी अच्छा लगेगा और कॉन्वर्सेशन क्या होगा, कुछ इंटरेस्टिंग होगा. ओके सो द नेक्स्ट, How's it going? How's it going? Okay. Let's suppose officially if you're meeting with some person, some of your boss, some of your senior. So you may say formally, how's it going? Formally. You can say what? How's it going? आप formally क्या कह सकते हैं? How's it going? Okay. So the next, what new idea are giving you energy? अब you are seeing some persons who is very energetic. वेरी पॉजिटिव थिंकर. होता है क्या है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जिनको देख करके हमारे शरीर में एनर्जी आती है, हमारे शरीर में ऊर्जा आती है. सो उन लोगों के लिए आप क्या बोल सकते हैं, व्हाट्स न्यू आइडिया गिविंग यू एनर्जी. ऐसी कौन सी न्यू आइडिया है जो आपको एनर्जी देती है ना, तो इससे क्या होगा, वो सामने वाला भी आपसे हैप्पी होगा और वो आपको कुछ शेयर करना चाहेगा, कुछ आइडियाज भी शेयर कर सकता है. ओके सो क्या होता है, मॉर्निंग में अगर आप बोल रहे हैं, कोई व्यक्ति खुश है, कोई आपसे फर्स्ट टाइम ऑफिस में मिल रहा है, मॉर्निंग में आपसे मिला, तो आप सीधे उससे बोलिए व्हाट न्यू आइडियाज आर गिविंग यू एनर्जी. ऐसी कौन सी आइडिया, ऐसे कौन से थॉट्स है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ओके सो नेक्स्ट, व्हाट्स कुकिंग गुड लुकिंग. If someone is seeing very happy, ना someone is, अगर कोई बहुत स्मार्ट दिख रहा है, कोई बहुत हैप्पी है ना, ब्यूटीफुल है, तो आप क्या कह सकते हैं सीधे सीधे, what cooking good looking. मीन्स क्या हो रहा है, ये भी थोड़ा सा you can say informal ही है, ये भी इनफॉर्मल है, अनऑफिशियल. हम लोग जनरली क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ करते हैं, अपने यू कैन से अपने लवर के साथ यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, जिसको आप ज़्यादा लाइक करते हो, लव करते हो, उसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं. व्हाट व्हाट कुकिंग गुड लुकिंग, यस रियली यू आर लुकिंग सो वेल, व्हाट्स नाउ इट इज हैपनिंग विथ यू. कुकिंग मीन्स क्या हो रहा है, आजकल क्या चल रहा है ना, क्या हो रहा है. ओके सो द नेक्स्ट, व्हाट्स न्यू एक्साइटमेंट अबाउट, व्हाट्स द एक्साइटमेंट अबाउट. इफ़ समवन इज़ वेरी हैप्पी एनर्जेटिक, क्या हो रहा है, अभी कोई खुश है और आप उससे ये कह रहे हैं ना कि आप इतने उत्साहित क्यों हैं, आप काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति मन से काम कर रहा है, एकदम एनर्जेटिक है और उससे आप जैसे मिल रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो आप क्या करें, सीधे सीधे कह रहे हैं आप व्हाट्स द एक्साइटमेंट अबाउट. ये जो उत्साह आपके अंदर दिख रहा है ना, आपके अंदर जो ये ऊर्जा है ना, इसका क्या कारण है. जनरली लोग हम लोगों से पूछा करते हैं, हमसे ही हमारे जो स्टाफ के लोग हैं, हमारे टीचर्स लोग अक्सर पूछा करते हैं, सर व्हाट्स द एक्साइटमेंट अबाउट. स्टूडेंट्स पूछते हैं सर व्हाई आर यू सो एक्टिव. वो ये नहीं पूछते सर हाउ आर यू, कैसे, सीधे वो पहले ऐसे पूछते हैं सर व्हाई आर यू सो एक्साइटेड, व्हाई सो हैप्पी. तो क्या होता है, आप सीधे सीधे हाउ आर यू ना पूछ करके सीधे सेकंड स्टेज पे चले, सीधे अपने क्वेश्चन का सेकंड स्टेज पे आ रहे हैं. इस तरीके से लास्ट है, व्हाट आर यू अप टू दिस डेज, व्हाट आर यू अप टू दिस डेज, व्हाट आर यू अप टू दिस डेज. क्या कर रहे हैं आजकल आप, आजकल जो ना, आजकल आप क्या चल रहा है, आजकल आप क्या कर रहे हैं. अक्सर हम लोग पूछा करते हैं लोगों से कि आजकल आप क्या कर रहे हैं. ये 11 टाइप्स आपके समझ में है, ये सारे 11 टाइप्स हैं जिसको यूज करके आप अपने कॉन्वर्सेशन को, आपके डिस्कशन को इंटरेस्टिंग बना सकते हो. और मैं 100% गारंटी करता हूँ, 100% गारंटी लेता हूँ, इफ यू विल यूज दिस फेजेस देन डेफिनेटली यू विल जस्ट मेक योर कॉन्वर्सेशन वेरी इंटरेस्टिंग. अब आइए हम लोग ये देखेंगे ना कि हम लोग इसके रिप्लाई में क्या बोलते हैं. ओके आई थिंक यू हैव गॉट दैट पॉइंट्स. नाउ कम ऑन, How can you reply if someone is saying to you how you, what's going, howdy, then replying for that words, what can you say? So here we have some important and some interesting phrases. Now see, the first one is all right. Yes, you can say if someone is speaking to you, someone is asking to you, how do you do, what's up, what's going on, then you can say all right, yes, all right, sab badhiya. Next you can say this is formal, this is formal. I'm feeling grateful. Yeah, I'm feeling very grateful. I'm happy. मैं बहुत grateful अपने आप को feel कर रहा हूँ. Okay? So you can also say, I have been better. Yes. If you are happy, you are fine, then you can say what? You can say, I have been better. Means what? Better. You know very well that better is a comparison, a comparative degree. Means what? Better is the second form of good. So it's mean that what? You are not good only. You are better. आप good ही नहीं है, बेहतर है, मतलब अच्छे नहीं है आप, बेहतर है आप. So you can say what? I have been better. So next,
I'm good. Wow. I'm good. I'm great. I'm happy. You can say here, you can add here, happy. You can add here, I'm okay. Yes, these all are the formal. I am okay. Yes, all correct. You know very well the full form of okay. All correct. I'm okay. Not bad. Very well. Not bad. Not bad means what? If you want to say what? Kuch pura nahi hai. Kuch bhi bura nahi hai. Badhiya hai. To aap kya kahenge? Not bad. Agar aap ye kehna chahte hain ki kuch bura nahi hai. Sab badhiya hai. To what will you say? Not bad. Very well. Bahut badhiya. Ekdam badhiya. Okay. हम कह रहे हैं आप बार बार कैसे ये कह रहे हैं आई एम फाइन आई एम फाइन आई एम फाइन आई एम फाइन, तो सामने वाला बोर हो जाएगा सुन सुन के और आप कह कह के बोर हो जाएंगे. अगर आप ऐसे बोल रहे हैं नॉट बैड वेरी वेल वॉ सो ही विल फील व्हाट वेरी हैप्पी. इन द सेम वे यू कैन से व्हाट आई एम गियरिंग अप फॉर द डे. आई एम गियरिंग अप द फॉर द डे. गियरिंग अप मीन्स व्हाट? इफ समवन इज स्पीकिंग टू यू, इफ समवन इज आस्किंग टू यू इन द मॉर्निंग हाउ यू, अगर कोई आपसे सुबह सुबह पूछता है भाई आप कैसे हो, तो आप क्या कहेंगे? आई एम गियरिंग अप फॉर द डे मीन्स क्या? मैं पूरे दिन के लिए गियरिंग अप कर रहा हूँ, रेडी होना और जेटिक हो रहा हूँ. ओके, इन द सेम वे आप ये भी कह सकते हैं आई एम गियरिंग फॉर द वीक. अब जैसे मान लीजिए कोई आपसे मंडे को पूछ रहा है, ओके, तो आप कह सकते हैं क्या? आई एम गियरिंग अप फॉर द वीक. ओके, इन द सेम वे अगर आपका कोई मान लीजिए आप किसी काम से जा रहे हैं, किसी ऑफिस के काम से जा रहे हैं, किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी मिशन पे जा रहे हैं, तो आप वहां पे यहां पे उस मिशन को मेंशन कर सकते हैं. इन द सेम वे यू कैन से सेम ओल्ड अगर थोड़ा सा कह सकते हैं कोई नॉर्मल सा व्यक्ति हो जिससे आप डेली मिलते हैं, रेगुलर मिल रहे हैं डेली डेली उससे मीटिंग हो रही है आपकी, तो आप कह सकते हैं कि हाँ सेम ओल्ड ओके इट्स ओके, सब पुराना ही है, कुछ नया नहीं है. In the same way, you can say, better now that you are here. If someone is loving to you, na? कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बहुत प्यार करता हो, बहुत लाइक करता हो, so you can say, wow, it's better now that you are here. I'm very happy. I'm very glad to see you. You can say, ऐसे भी आप कह सकते हैं, I'm very glad to see you. मैं आपको देख के बहुत खुश हुआ. Better now, अब बढ़िया है, अब बेहतरीन हूँ. Why? That you are here, क्योंकि आप कहाँ हो? यहाँ पे हो. In the same way, you can say, I'm struggling a bit. This is, you can say sometime what happens if you are tired, if you are not happy, you are working something. आप क्या कर रहे हैं? कुछ काम कर रहे हैं, मन लगा के कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी मिशन पे काम कर, तो आप कह सकते हैं क्या? I'm struggling a bit. मैं क्या कर रहा हूँ? स्ट्रगलिंग कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ. इन द सेम वे आप कह सकते हैं क्या? हाँ, बेटर देन बिफोर. बड़ा कॉमन सा है. ये सारा क्या है? ये सारा नॉन फॉर्मल है. ये सब क्या होता है? इन सबको जनरली हम लोग अनऑफिशियल होता है, हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते, बट आप यूज़ कर सकते हैं. कब? जब आपसे बेटर देन बिफोर मीन्स व्हाट? आप पहले से बेहतर. अभी कैसे हैं? जैसे मान लीजिए आप बीमार थे, भगवान न करे ऐसा कभी हो, तो मान लीजिए आप बीमार हैं और बार बार लोग आपको देखने आ रहे हैं, ओके, और आपकी तबीयत में आपको सुधार है, तो आप क्या कह सकते हैं? यस आई एम फाइन, बेटर दैन बिफोर. वेल, मैं कैसा हूँ? बेटर हूँ. कब से बेटर हूँ? पहले के कंपेरिजन में अब बेटर हूँ. इन द सेम भी आप क्या कह सकते हैं? लविंग द लेजी. अब जैसे मान लीजिए पूरा दिन आप काम करके थक गए हैं ना, ये क्या आपको कब बोलते हैं हम लोग? इवनिंग में बोलते हैं, या और यू कैन से नाइट में बोल सकते हैं. जैसे मान लीजिए आप पूरे दिन काम करके ऑफिस से आए, पूरा काम करके थके हैं, हाँ आप एकदम बेड पे हैं और आपसे कोई पूछ रहा है हाउ यू, फोन पे पूछ रहा है, ऐसे पूछ रहा है, व्हाट्सअप, व्हाट्स गोना, तो आप वहाँ पे कह सकते हैं लविंग द लेजी. थोड़ा सा आलसपन सा हो रहा है ना, थोड़ा सा आराम करने का मन हो रहा है, आलसी मन हो रहा है, सो यू कैन से व्हाट? लविंग द लेजी. इन द सेम वे यू कैन से व्हाट? वांट टू गेट अवे. मीन्स इफ यू आर रियली टायर्ड, इफ यू आर रियली वेरी एंग्री, अगर आप सच में एंग्री हैं, टायर्ड है, आप क्या कह सकते हैं? वांट टू गो अवे. जस्ट आई डू नॉट वांट टू स्टे हियर, आई जस्ट वांट टू गो अवे. मैं जाना चाहता हूँ, यानी मैं कुछ दूर जाना चाहता हूँ, कहीं शांति से कुछ बैठना चाहता हूँ, कहीं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ पे एकदम शांति हो. इन द सेम वे यू कैन से इन नीड ऑफ सम पीस. यस, वही इसी का, ये इसी का कह सकते हैं कि डिराइव फॉर्म है. इन नीड ऑफ सम पीस, क्या है? मुझे कुछ शांति की जरूरत है. शांति की नहीं, शांति मतलब वो वाली शांति नहीं जो आप समझ रहे हैं. शांति इन द सेम यहाँ पे मीन्स क्या है? पीस का मतलब है. हमें किसकी जरूरत है? हमें थोड़ी सी पीस चाहिए. ओके, इन नीड ऑफ सम पीस, सो डोंट डिस्टर्ब मी, लेट मी लीव अलोन. मुझे अकेले छोड़ो, थोड़ा सा मुझे अभी क्या जरूरत है? थोड़ा सा मुझे पीस में रहना. ओके, यू इन द सेम यू कैन से ट्राइंग टू स्टे लाइव. वॉर रियली हैप्पी मीन्स वट? यू आर सेंग दैट वट? यू आर ट्राइंग टू स्टे लाइव. क्या कर रहे हैं? थोड़ा जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं. अब मान लीजिए पूरा संकट आप के ऊपर है, बड़े परेशान हैं समाज से, परिवार से, अपने से, तो यू कैन से व्हाट? ट्राइंग टू स्टे लाइव, बस जीने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूँ. मीन्स व्हाट? यू आर नॉट सो हैप्पी, यू आर स्ट्रैवलिंग फॉर
फॉर लिविंग. सो यू कैन से वॉट, ट्राइंग टू स्टे अलाइव. ये बातें समझ में आ गई. सो आई थिंक यू कैन, यू ऑल कैन यूज दिस इंटरेस्टिंग फ्रेज इफ़ यू आर गोइंग टू रिप्लाई टू समवन. यस, इफ समवन इज आस्किंग टू यू व्हाट्स अप, व्हाट्स गोन अप, हाउ डू यू डू, क्या, यू कैन से एट दैट इंस्टेंस यू कैन से दिस इंटरेस्टिंग फ्रेजेस. ओके, आइए अब हम लोग अपने वर्ड्स के सेक्शन पे चलते हैं. जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, डेली कुछ ना कुछ रोज नए रूट वर्ड्स पढ़ते हैं. तो जो उस सिलसिला में आज हम लोग जो, आज हम लोग का जो आज का रूट वर्ड है वो क्या है, फोन है. PHON, फोन. फोन मीन्स होता है साउंड, साउंड होता है. ओके, फोन मतलब क्या होता है, साउंड होता है. आइए इसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. हमने आपसे क्या कहा था कि इफ यू हैव टू क्रिएट वर्ड्स फ्रॉम रूट वर्ड देन यू हैव टू ऐड टू थिंग्स, आइदर यू हैव टू ऐड प्रीफिक्स आर यू हैव टू ऐड सफिक्स. या तो आप प्रीफिक्स या तो सफिक्स ऐड करके आप एक इस फोन वर्ड से ढेर सारे वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं. जैसे देखते हैं, टेलीफोन, टेलीफोन. टेली मतलब क्या होता है, टेली मतलब होता है डिस्टेंस से, दूर से. टेली मतलब होता है डिस्टेंस और फोन मतलब क्या होता है, साउंड होता है. तो एक ऐसी डिवाइस जो क्या करेगी, दूर के डिस्टेंस की साउंड मेरे पास लाएगी. दूसरा इसका एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, माइक्रोफोन. माइक्रोफोन, माइक्रोफोन सब लोग जानते होंगे, एक ऐसी माइक्रो डिवाइस होती है जो साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करती है. तीसरा हम लोग इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, फोनोटिक्स ले सकते हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, फोनोटिक्स या फोनेटिक्स. फोनेटिक्स क्या होता है, इट इज, यू कैन से इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट स्पीच, जिसमें हम क्या करते हैं, साउंड के स्पीच के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या होता है हमारा, फोनेटिक्स होता है. ऐसे हम और भी एग्जांपल्स लिख ले सकते हैं और यहां पे लिख सकते हैं, सब लोग जानते होंगे होमोफोन्स के बारे में. होमोफोन्स, होमोफोन, होमोफोन क्या होता है, जो होमोफोन होता है हमारा, ये क्या होता है, ऐसे वर्ड्स की सीरीज होती है जिनके साउंड क्या होती है, सिमिलर होती है, बट मीनिंग क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है. ओके, तो आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे और नेक्स्ट कल नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे अपने सेम टाइम सुबह 10 बजे. एंड वन थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू एट लास्ट, दैट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस these things whatever we are studying daily regularly to your parents, to your friends. If you have any problem then you may comment me. Thank you for today.